Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. So guys, आज देखो, आज मैं अपनी बाइक बनवा कर रहूँगा. आज पूरी देख लो, मट्टी देखो, मट्टी वार अब बिल्कुल भरी पड़ी है इसमें ना बाइक में. सो ये आज बिल्कुल चमकेगी, आज बिल्कुल सारी. देखो इंडिकेटर बाइक वाले ने ठोका था, सब से ज़ोर से तोड़ दिया इंडिकेटर. मडगार्ड तो सही नहीं होगा अब, क्योंकि देखो डेंट आ चुके हैं. ये सही नहीं हो सकता, डेंट निकलवाना पड़ेगा वरना मडगार्ड चेंज करवाना पड़ेगा. गाइस ये है अभी बाइक, चलते हैं इसको फटाफट बनवाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है अभी इफ्तारी में. A few moments later. So guys, मैंने पेट्रोल भरवा लिया है, अब चलते हैं फटाफट सीधा. इसे चलते हैं अभी, इस्लामाबाद से ही जाना है. कैसा लग रहा है? आई थिंक मेरा अगला टायर जो है ना बबलिंग कर रहा है, जैसे लग रहा है, फील हो रहा है कि मुझे कल से फील हो रहा है बबलिंग कर रहा है मेरा अगला टायर. चेक करवाते हैं, बस आज ही आज काम हो जाए ना, सही रहेगा बिल्कुल. गर्मी थोड़ी बहुत कम हुई है, वरना तो भाई बहुत गर्मी थी, बहुत. अभी तो गर्मी कम हुई है. A few moments later. भाई यहाँ पे रश पता नहीं किस बात का हो रहा है. Later. चलो भाई. Later. वे सारे फूड वाले बैठे हुए, उसी वजह से यहाँ पे रश हुआ पड़ा बहुत ज्यादा. आज देखो ये ठेलो में मछलियाँ लेके बैठा हुआ है. आज ये जो रोड है ना, इसका नाम है ठंडी सड़क. इस रोड का नाम है ठंडी सड़क, और इस ठंडी सड़क का नाम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सारे घासें वगैरह हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं. यहाँ पर देखो सारे ऊपर पेड़ वगैरह आपको दिख रहे होंगे. ये है इतवार बाज़ार, गुलशन मेमार का यहाँ बुद्ध बाज़ार भी लगता है. और हम लोग आ गए हैं गाइस बंगाली मोड़ पे. यहाँ पे भी हम लोग चल रहे हैं, बंगाली मोड़ है. अभी हम लोग अंदर मेमार की तरफ जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं भाई. लेट है आओ गाइस, ये आ गया. हमें इधर से लेना है, इधर से टर्न करना है हमें राइट साइड पे. सो ये गेट नंबर 1 है मेमार का, और यहीं से हमको जाना है सीधा अंदर. यहाँ पे मैंने, हो सकता है आई थिंक मिल जाए, जो मुझे इंडिकेटर चाहिए वो आई थिंक मिल जाए. अरे यहाँ पे खड्डे बहुत हैं भाई, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं गाइस. यहाँ पे दुकानें आ गई हैं, और काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो बिल्कुल क्लोज, शटर क्लोज है उनका. और देखते हैं अभी ये दुकानें खुली हैं बाइक की, गाइस यहीं पे चलते हैं. यार इंडिकेटर चाहिए बाइक का, ये वाले चाहिए. ठीक है, यार इसका अगला बैरिंग भी देख लेना, बैरिंग वगैरह का मसला लग रहा है. सही है, लेट है आओ. अच्छा, और एयर फिल्टर इसका चेंज करना है. मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था इंडिकेटर, वो यहाँ पे मिल गया. कहाँ कहाँ नहीं पता किया भाई, वाटर पम्प, औरंगी टाउन, यूपी पे भी एक दुकान पे पूछा था बट नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल गया ये दुकान. और इस दुकान का नाम है ख्वाजा ऑटोस. सो यहाँ पे सामान मौजूद है इधर. सारा काम हो गया है बाइक में, इंडिकेटर वगैरह सब लग चुके हैं, एंड एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाया मैंने इसके. बहुत ज़्यादा फिल्टर जो था ना गाइस, टूट गया था बिल्कुल. प्रेशर इतना होता है ना हवा का, इसलिए टूट गया वो. कल बताऊंगा आपको कितना. ओह क्या बचा है, कल बताऊंगा आपको कितना. ओह क्या बचा, ध्यान से ही चलाते हैं यार. तो गाइस एयर फिल्टर का ही मसला था मेरी बाइक में, बाइक सही हो गई भाई, वही बाइक पिकअप वाली. तो गाइस पहले पिकअप बहुत ज़्यादा ना कम हो गया था, बट अब सही है. एक पुरानी वाली फीलिंग आ रही है, बस ब्रेक सही हो जाए ना बाइक के, फिर कोई टेंशन नहीं होती. गाड़ी हो बाइक हो, ब्रेक सही होने चाहिए बिल्कुल. भाई मुझे केचप भी लेना है. हाँ हाँ, अम्मी ने बोला था केचप लेकर आना है.
गार्लिक अभी मैंने टाइम देखा दुकान पर 6:30 हो रहे हैं अभी। फटाफट चलते तैयारी भी करनी है इफ्तारी की भाई। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो यार, शेयर करो भाई। कोई है ही नहीं ऑडियंस देखेगी क्या, तो शेयर कर दो, शेयर करना नहीं भूलना बस। और लाइक करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। और कमेंट कर दो भाई अच्छा सा। और ये मैंने लगवा लिया, देख रहा है ना, लगवा लिया। बाद में दिखाऊंगा कल बिल्कुल सही से, बाइक दिखाऊंगा, पूरी बाइक दिखाऊंगा मैं कल। अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।